हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां एंट्री कर सकता है। यहां पे तो आप देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी मैंने 15 मिनट चार्ट लिया। यहां पे मूविंग एवरेज मैंने 520, 50, 150 और 100 लिया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी 15 मिनट में डाउन 10 लिया हुआ है। तो डाउन 10 आप मैंने पहले यस्टरडे वीडियो आपको बताया था 26,500 का आसपास आने वाला है। एग्जैक्टली मार्केट वहां पे आया तो वहां से आके एक मार्केट करेक्शन दिया हुआ है, राइट। तो आज कल देख सकते हैं यहां से आके थोड़ा बहुत करेक्शन दिया और मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये पहले आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक हुआ था मार्केट, राइट। तो अभी भी मुझे लगा ये मार्केट फिर से वो 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। तो जैसे मैंने ये 26,900 ऑलमोस्ट 27,000 का आसपास वीकली मैंने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन डाला था, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आ सकता है और यहाँ से आके फ्यूचर मार्केट नीचे आने का चांसेस है। तो यहाँ पे अगर आप अपने कोई पुट ऑप्शन बाय किया तो 27,000 के आसपास से आप मार्केट से बाहर निकाल जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मार्केट नीचे आने का चांसेस है। और अगर ये मार्केट अगर आपने बाय किया तो यहाँ से निकाल दिया, फिर से ये मार्केट क्रॉसओवर किया तो मार्केट कंटिन्यू हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपको अगर ये पुट ऑप्शन बाय किया, कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय किया तो मुझे लगता है आप मार्केट से 27,000 के आसपास से निकाल जाना चाहिए। और अगर हम देखें यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे एक आज ज़्यादा थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है। तो यहाँ एक डोजी पैटर्न फॉर्म किया हुआ है अभी ऊपर में 20-50 मूविंग एवरेज के आसपास। तो थोड़ा देर आपको वेट करना चाहिए। अगर आपने पोजीशन लेना है तो इसका जो हायर पॉइंट है इसका ब्रेकआउट करने से आप बाय करके निकल सकता है 100 पॉइंट के आसपास से। नहीं तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आके जाने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।